शबाना तलत साहबा, आपके सामने अहमदनगर की कैद और मौलाना आजाद की सरगुजशत असीरी के बारे में अपना मकाला पेश करेंगे। डॉक्टर शबाना तलत साहबा एमए गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी हैं, 8 साल अंजुमन वुमेन्स कॉलेज बटल में लेक्चर की हैसियत से काम किया आपने, और 8 साल पोस्ट ग्रेजुएशन शोभा कोई यूनिवर्सिटी में भी आपने खिदमत अंजाम दी, और हाल ही आपकी खिदमत सह्याद्री कॉलेज शिमोगा में है जहाँ पे आप लेक्चर हैं। आपकी तसनीफ करदा किताबों में बैन सुदूर, प्रोफेसर एस एम अकील फर्द और फनकार, और उसके बाद अलावा फन शायरी पर भी आपकी किताब है। अब आपके बिश्तर मजामी मशहूर मुल्क के जरीदों में मसलन शायर, दरिया, जरीन शुआ और हिंदुस्तानी जबान वगैरह में शायर है। हमें खुशी इस बात की है कि मुहतरमा मेरे दरमियान है, और आज के इस मौलाना आजाद के ही ताल्लुक से आपने एक मकाला हम यहाँ पेश कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर शबाना तला साहब। मोहतरम सदर जलसा डॉक्टर मुजफ्फर एच असदी, फाजिल मखाला निगारान, हम्बल इंटेलेक्चुअल्स के तमाम मेम्बरान, नाजिम प्रोफेसर सैयद सज्जाद अहमद साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर एस एम अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अहमदनगर की कैद और मौलाना आज़ाद की सरगुजशत असीरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के वाहिद मुसलमान अहले कलम थे जिनके वालिदा का ताल्लुक अरब से था और वालिद हिंदुस्तानी थे। आपके वालिद मक्के में दरस व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे, वहीं उनकी शादी हुई। मौलाना आजाद की पैदाइश मक्के में हुई। मौलाना की पैदाइश के बाद आपके वालिद हिंदुस्तान चले आए और कलकत्ते में मुखीम हुए। इनके वालिद मशायख के खानदान से थे, जिसकी वजह से उनके वालिद के मुरीदैन मौलाना आजाद को पीर ज्यादा समझकर उनकी खिदमत करना और उनकी कदमबोसी करना अपना फर्ज तसव्वुर करते थे। आपके वालिद साहब ने अपने दो मुरीदैन को मौलाना आजाद के बॉडीगार्ड के तौर पर लगा रखा था। उनको हिदायत दी गई थी कि मौलाना को कोई गैर मुहज्जब किताब पढ़ने की इजाजत ना दी जाए। मौलाना के लिए ये पाबंदी हद से ज्यादा नापसंद थी। उन्होंने दोनों बॉडीगार्ड्स को अपना हमनवा बना लिया और कलकत्ते के एक पार्क में झाड़ियों के झुंड में जगह बना ली और वहां बैठकर मुतालिया करते थे। उस दौर में जो मुतालिया किया गया वो बुनियाद के पत्थर की तरह आपकी शख्सियत साजी में सूदमंद साबित हुआ। मौलाना आजाद गैर मामूली जहानत, सहर अंगेज, बेनजीर दानिश्वर, सेहतमंद सियासी बसीरत के मालिक थे। उर्दू, फारसी और अरबी पर कुदरत हासिल थी। अंग्रेजी से भी ये वाकफियत रखते थे। मौलाना आजाद पहले शख्स थे जिनको अंग्रेजी में सोचने और उर्दू में लिखने की आदत थी। मौलाना के मिजाज में तनवो पाया जाता था। वो जिस मौजू या जिंदगी के जिस पहलू में दिलचस्पी लेते थे उसमें बामे उरूज तक पहुंचने की कोशिश करना उनके मिजाज में दाखिल था। उर्दू के अक्सर अहले कलम अपनी तमाम तरतवानाइयां सिर्फ एक फन में सर्फ करते हैं। मसलन गालिब के फन का बड़ा हिस्सा सिर्फ गजल के गेसु संवारने में बीत गया, उसी तरह मीर ने भी अपना सारा जोर गजल पर सर्फ कर दिया। इम्तियाज अली ताज ड्रामे के और प्रेमचंद व कृष्ण चंद्र सिर्फ अफसानवी अदब के होकर रह गए, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का मिजाज उन सब से जुदागाना था। उनको बैक वक्त एक शायर, सहाफी, मौसिकार, सियासतदान, मुफस्सिर कुरान, साहिब तर्ज अदीब, माहिर तालीम, खतूत निगार, गर्ज, बेशुमार असनाफ में कमाल हासिल था। मिजाज का इस कदर तनवो उर्दू के शायद ही किसी अहले कलम में मिले। आपके बचपन का जमाना था, मौसूफ को शायरी में दिलचस्पी पैदा हो गई। शायरी के लिए किसी उस्ताद की तलाश हुई और आपने दो गजलें इसलाह की गर्ज से मुंशी अमीर अहमद मरहूम को भेजी। उन्होंने इसलाह करके फौरन लौटा दी। उनकी इसलाह से मौलाना को तसल्ली नहीं हुई। इस वाकये से इस बात का अंदाजा होता है कि अव्वलीन उस्ताद की उस्तादी में ही नुक्स निकालने वाले की अपनी इस्तेदाद क्या होगी। लिहाजा
जब उन्होंने कम उम्र में अपनी जिंदगी का अवलीन मुशायरा कलकत्ते में पढ़ा तो अहले कलकत्ते की आंखें खुली की खुली रह गईं। आपने अहद जवानी से कबल ही फन शायरी में कमाल हासिल कर लिया और उसके बाद उस फन से दस्तबरदार हो गए। शायरी से दिलचस्पी उनके मिजाज का एक पहलू था, सहाफत उनके खमीर में दखल था, सहाफत का उनके खमीर में दखल था। बचपन से ही सहाफत में दिलचस्पी लेने लगे और कई अखबारों और रसायल में मुदीराना सलाहियत के साथ खिदमात अंजाम दी, जैसे नैरंग आलम, मखजन, अहसनुल अखबार, खदंग नजर, दारुल अखबार, लिसानुस सिद्क, वकील अखबार, दारुल सल्तनत, अलबलाग और अलहिलाल वगैरह अखबारात से मुंसलिक रहे। तहरीक आज़ादी के दौरान अलहिलाल और अलबलाग की बदौलत आपको उर्दू के बेहतरीन सहाफ़ियों में शुमार किया जाता है। मौलाना आज़ाद को सितार बजाने का शौक था, उस शौक को पूरा करने के लिए आप चांदनी रात में ताजमहल के पास क़याम करते और सितार बजाकर अपना शौक पूरा करते थे। अदबी काम करने के इरादे से अपनी सियासी जिंदगी से दूर जाकर श्रीनगर में किसी हाउस बोट में क़याम कर लेते और कई हफ्तों तक वहीं डल झील में झूलते हुए अदबी काम सर अंजाम देकर अपने घर लौटते थे। मौलाना आज़ाद की मिजाज का तनवो बेहतर अंदाज में अगर देखना हो तो उनके खतूत का मजमुआ गुबारे खातिर हमारी बेहतरीन रहनुमाई करेगा। मौलाना ने अपने गैर मदबुआ व गैर अरसाल करदा खतूत का मजमुआ गुबारे खातिर किले अहमद नगर की असीरी के दौरान तहरीर किया है, जो हर मिजाज के खारी के लिए तवज्जो का जामिन होगा। बखौल अब्दुल मुगनी, गुबारे खातिर ऐसे खतूत का मजमुआ है जिसका सही मानी में ना कोई मुखातिब है ना नामावर। दरअसल ये एक बेहतरीन इल्मी कारनामा है जो बेहतरीन अदबी पैराए में पेश किया गया है। तारीख के अजीम तरीन दानिश्वरों ने जो चंद अहम तरीन इंशा ये लिखे हैं, उनमें एक मौलाना आज़ाद का ये मजमुए मकातिब भी है, जिसके सफ़ात कीमती मालूमात, लतीफ़ एहसासात और बसीरत अफरोज़ ख्यालात से भरे हुए हैं। इख्तिबास खत्म। मस्कुरा वाला इख्तिबास में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि गुबारे खातिर खतूत का नहीं बल्कि इंशाइयों का मजमुआ है। इस बात में सदाकत का अंसर गालिब नजर आता है, क्योंकि गुबारे खातिर के खतूत से इब्तिदा का सिद्दीक़ मुकर्रम और इख्तिताम का अबुल कलाम खारिज कर दिया जाए तो लाशऊरी तौर पर ये खतूत इंशाइयों में तब्दील हो जाएंगे। मौलाना आज़ाद को लिखने का शौक था, उसके लिए किसी न किसी मौज़ों को कहीं से भी तलाश कर लेना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। गरज अहमदनगर के दौरान जो वाकयात रोनुमा हुए उनमें अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश करके मौलाना ने उन्हीं मौजूआत पर बहुत ही आलिमाना और फलसफियाना मबाहिस छेड़ दिए हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। गुबार खातिर में जुमला 24 खतूत शामिल हैं, जिनमें से इब्तदाई 4 खतूत का ताल्लुक अहमदनगर के जेल से नहीं है। पहला खत शिमला से, दूसरा हाउस बोर्ड श्रीनगर, तीसरा नसीम बाग श्रीनगर और चौथा बम्बई मेल में सफर के दौरान लिखे गए थे। उसके बाद तकरीबन इब्तदाई 4 खतूत कैद खाने के महल वकूफ और उसके मामूलात के बयान में सर्फ हैं, जैसे सुबह 4 बजे दूध वाले की आमद से कैद खाने के सुकूत में हलचल पैदा होना, उसके बाद अखबार वाले की आमद, फिर कैद खाने के लिए सब्जी तरकारी और दीगर अशिया की लारी का आना, उसके बाद कैद खाने से मुलहिक फौजी छावनी के फौजियों की आमद और रफ्त से माहौल के सन्नाटे का खत्म हो जाना वगैरह के साथ ही साथ अहमद नगर के किले की चार दीवारी, कैदियों के कमरों की बनावट वगैरह पर तफसीली मालूमात मुहैया की गई हैं। उसके बाद चाय नोशी से मुतालिक 2 खतूत, हिकायत सागो बुलबुल के लिए 2 खतूत, चिड़िया चिड़े की कहानी के लिए 2 खतूत तहरीर किए गए हैं। उसके अलावा जो खतूत हमारे खातिर में मौजूद हैं उनका ताल्लुक मौलाना की जुलानी तबाह का नतीजा है। उन्हें लिखने की आदत थी, किसी भी मकाम और मौके पर उन्हें लिखने के लिए मवाद चाहिए था। कैदखाने के मामूलात से मुहैया मवाद से मुस्तफीज होने के बाद उन्होंने अपने ज़ौक़े तहरीर की तस्कीन के लिए दूसरी जंगे अजीम और कई फलसफियाना मौजूआत को अपनी तहरीर का हिस्सा बना लिया। 5वें खत में उनकी गिरफ्तारी की तफसील दर्ज है,
जिसके एक इख्तिबास से ये पता चलता है कि उनके मिजाज में किस कदर अनानियत और खुददारी का जज्बा पाया जाता है। लिखते ही किसी ने मेरा पैर दबाया, आंख खुली तो क्या देखता हूँ, धीरू एक कागज हाथ में लिए खड़ा है और कह रहा है, दो फौजी अफसर डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ आए हैं और ये कागज लाए हैं। वो इतनी ही खबर मेरे लिए काफी थी, मगर मैंने कागज ले लिया कि देखो किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई। मैंने धीरू से कहा, मुझे 1.5 घंटा तैयारी में लगेगा, उनसे कह दो के इंतजार करें। फिर गुस्ल किया, कपड़े पहने, चंद खतूत लिखे और बाहर निकला तो 5:45 हुए इख्तिबास का। मौलाना के मिजाज से और उनकी शख्सियत से मुतासरा फौजी और पुलिस 1.5 घंटे तक बाहर उनका इंतजार करते रहे। किसी को जरात नहीं हुई कि उन्हें जल निकलने पर इसरार किया जाए। मस्कुरा खत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना के लिए कैद की जिंदगी कोई नई बात नहीं थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी का हर 7वां दिन असीरी के नजर हो गया था। अपने खुतूत में खुद मौलाना ने ही इस बात का एतराफ किया है। दीगर कैदियों की तरह मौलाना ने कभी भी असीरी को बोझ या अपने आप पर जुल्म तस्वर नहीं किया। उन्होंने अहमद नगर की कैद के दौरान पेश आए मसाइल में फरहत का सामान तलाश कर लिया और अपनी जिंदगी इन लम्हात को गमगीन बनाने के बजाय तफरीह का सामान बना लिया। मौलाना ने अपने नवे खत में कैद की जिंदगी की तस्वीर पेश की है। मुलाहिजा हो, अगर आप मुझे इस आलम में देखें तो ख्याल करें, मेरी पिछली जिंदगी मुझे कैदखाने के दरवाजे तक पहुंचा कर वापस चली गई और अब एक दूसरी ही जिंदगी से साबिका पड़ा है। जो जिंदगी कल तक अपनी हालतों में गुम और खुशकामियों और दिल शगुफ्तगियों से बहुत कम आशना थी, आज अचानक एक ऐसी जिंदगी के खालिब में ढल गई जो शगुफ्ता मिजाजियों और खंदा रोइयों के सिवा और किसी बात से आशना ही नहीं। हर वक्त खुश रहो और हर नागवार हालत को खुशगवार बनाओ। मौलाना आजाद का ये बयान साबित कर रहा है कि उन्होंने कैद की जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा तसव्वुर कर लिया था। उन्होंने बहुत जल्द अपने आप को कैद के माहौल से मानूस कर लिया और वहां की महरूमियों को खुशगवार लम्हात में तब्दील कर लिया। उसके लिए उन्होंने कैद के मसाइल या मुश्किल में जौक तस्कीन तलाश किया। उसकी एक बेहतरीन मिसाल मुलाहिजा कीजिए। मौलाना को जिस कमरे में ठहराया गया था उसमें एक चारपाई, एक टेबल और एक कुर्सी थी। उस कमरे की छत लकड़ी के शैतीनों से बनाई गई थी जिसमें गोरियाओं को अपने लिए घोंसले बनाने के लिए काफी मौके थे। ये चिड़िया कमरे में मौजूद मुंह धोने की टेबल के ऊपर अपना घोंसला बना लिए थे। वो हर दिन घोंसले की तामीर के लिए तिनके चुन चुन कर लाते थे। वही तिनके घोंसले से गिरकर उनके मुंह धोने के टेबल को कबाड़ खाना बना दिया करते थे। इन चिड़ियों के चहचहाने से मौलाना के अदबी और पुरसकून माहौल में फर्क पड़ता था। पहले पहल तो उनसे नजात हासिल करने के कई हरबे इस्तेमाल किए गए। जब अंदाजा हो गया कि वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे तो मौलाना ने उस मुसीबत से नजात पाने के बजाय उन चिड़ियों की जिंदगी उनके आदत और अतवार पर तफ्तीश करना शुरू कर दिया, उनसे दोस्ती कर ली। इस तरह चिड़िया और चुड़े की कहानी का वजूद हुआ। मौलाना ने एक चुड़े को खलंदर नाम दे दिया और चिड़िया को मोदी के नाम से मनसूब करके उनसे दोस्ती कायम करने के तमाम जराए इस्तेमाल किए गए और उसमें कामयाब भी हुए। जब मौलाना और चिड़ियों का काफिला एक दूसरे से मानूस हो गए तो मौलाना को उन चिड़ियों से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने चिड़ियों की मसरूफियात का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि वो अपनी नस्ल को बढ़ाने में मसरूफ है। घर चिड़ियों के घोंसले में अंडे रखे गए और देखते ही देखते उसमें बच्चे निकल आए। मौलाना ने उन बच्चों की परवरिश पर उनके माँ बाप की कुर्बानियों का भी जायजा लिया और उड़ने की तरबियत देने में चुड़ा और चुड़िया ने जो रोल अदा किया उस पर भी मौलाना ने तफसील से बयान किया है। घोंसले में से झांकते रहने वाला एक बच्चा एक दिन जमीन पर आ रहा। चुड़िया और चुड़े ने उसको उठाकर दोबारा घोंसले में ले जाने की जहमत गवारा नहीं की बल्कि उसे वहीं फड़फड़ाता हुआ देखते रहे। चंद ही लम्हों में वो बच्चा उड़ने के लिए पर तोड़ने लगा। कई मरतबा नाकाम हुआ लेकिन बिलाखर एक ऐसी उड़ान भरी के वाफाक की बुलंदियों में अपने आप को गुम कर दिया। मौलाना का मकसद यही था कि इस कहानी के जरिए आलमी इंसानियत को ये दर्ज दें कि जिस दिन इंसान अपनी कुव्वत और काबिलियत का अंदाजा लगा लेगा
वही दिन उसकी कामयाबी का पहला दिन साबित हो सकता है। जब तक वो अपने आप से बेबहरावर रहेगा उस वक्त तक उसकी राहें मजदूद रहेंगी। गुब्बारे खातिर का दूसरा अहम खत उनकी चाय नोशी से मुतालिक है। मौलाना की सुबह सुबह काजिब में 3 बजे हुआ करती थी। जरूरियात से फारिग होने के बाद केतली में चाय तैयार होती। चाय का फंजान राइटिंग टेबल के दाएं तरफ रखकर चाय की चिस्कियां लेना शुरू करते। बाएं हाथ से सिगरेट और सीधे हाथ में कलम होता था। चाय की चिस्कियां और कलम की रफ्तार साथ साथ चलती थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मौलाना आजाद जिस चाय का जिक्र करते हैं वो चाय हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल में आने वाली चाय से मख्तलिफ थी। मौलाना आजाद ने उनकी इस्तेमाल शुदा चाय की खसीदा खानी में 2 खतूत तहरीर किए हैं। मौलाना आजाद की चाय की अहम खसूसियत मुलाहजा हो। मजबूरन हिंदुस्तान की इसी सियाह पत्ती का जोशांदा पी रहा हूँ जिसे ताबीर और तस्मीय की इस कायदे के बामूजिब के लोग चाय के नाम से पुकारते हैं और दूध डालकर उसका गर्म शरबत पिया करते हैं। चाय के बाब में अपनाए जमाने से मेरा इख्तलाफ सिर्फ शाखों और पत्तों के मामले ही में नहीं के मफाहमत की सूरत निकल सकती। सबसे पहला सवाल चाय के बारे में खुद चाय का पैदा होना है। मैं चाय को चाय के लिए पीता हूँ, लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरे लिए वह मकासिद में दाखिल हुई, उनके लिए वसाइल में। मौलाना आजाद जो चाय पिया करते थे वह आम लोगों के इस्तेमाल की चाय से मुख्तलिफ थी। वो दूध के बगैर चाय बनाते थे, उसमें जो शक्कर इस्तेमाल होती थी उसकी नबीयत भी जुदा गाना थी। चाय का जिक्र छेड़ा है तो मौसूफ ने उसकी पैदावार से लेकर उसके औसाफ तक की तफसील बयान कर दी है। वो चीन से आने वाली चाय पत्ती पीते थे जो हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल से दस्तियाब थी, और शक्कर से मुतालिक भी काफी तफसील बहस की है। इन दोनों चीजों के तारुफ में खुद मौलाना के अल्फाज पेश करना मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि मौलाना आजाद ने अपने जज्बे तहरीर की तस्कीन की खातिर काफी सफात सियाह किए हैं। सिर्फ हमें नफ्स मजमून से वास्ता रखना चाहिए। चाय चीन की पैदावार है। चीनियों की तसरी के मुताबिक 1500 बरस से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वहां कभी किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं गुजरी कि इस जौहर लतीफ को दूध की कसाफत से आलूदा किया जा सकता है। इख्तिबास खत्म। मौलाना आजाद ने लिखा है कि जिन मुल्कों में चीन से चाय गई वहां किसी ने भी दूध के साथ चाय नहीं बनाई। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने चाय में दूध का इजाफा कर दिया और हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की तखलीद में दूध के साथ ही चाय का इस्तेमाल करने लगे। अंग्रेज तो चाय में दूध मिलाया करते थे जबकि हिंदुस्तानियों ने दूध में चाय की मिलावट शुरू कर दी। हिंदुस्तान में सिलोन या दार्जिलिंग की चाय का इस्तेमाल होता है जबकि मौलाना आजाद चीन की चाय इस्तेमाल करते थे। मौलाना को मिठास ज्यादा पसंद नहीं थी, उसके बनिस्बत उन्हें नमकीन चीजें पसंद थी, इसलिए उनकी चाय में शक्कर बराए नाम हुआ करती थी। वो जिस शक्कर का इस्तेमाल करते थे वो भी अपनी नबीयत की अलग थी। उमूमन शक्कर तैयार करने वाले गन्ने के दूध को 2 मरतबा साफ करके उससे शक्कर तैयार कर लेते हैं। इस शक्कर में कुछ हद तक कसावट रह जाती है, इसलिए मौलाना को देसी शक्कर पसंद नहीं थी। गर्ज वो जिस शक्कर का इस्तेमाल करते थे वो शक्कर भी बिल्लोर की तरह बेमैल और बर्फ की तरह। कैद के दौरान जब शक्कर खत्म हो गई तो उन्होंने जेलर से शक्कर मंगवाने की गुजारिश की तो पता चला कि वहां मौलाना की मस्कुरा शक्कर का दूर दूर तक पता नहीं। इसलिए मौसूफ ने मिस्री मंगवाई और उसको कूट कर चाय में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां दूसरी परेशानी ये लाहक हुई कि मिस्री कूटने के लिए हावन दस्ता कहीं दस्तियाब ना हो सका। कैद खाने के मुलाजमीन को हावन दस्ता का नाम अजीब गरीब लगा क्योंकि उनकी दानिश में ये चीज दुनिया व माफिया से बईद तर थी। गुब्बारे खातिर के खतूत में और एक और मकबूल आम खत है जिसको मौलाना ने हिकायत जागो बुलबुल का नाम दे रखा है। उस खत में मौलाना आजाद के मिजाज के एक और पहलू पर रोशनी पड़ती है। एक सुबह सैयद महमूद साहब ने एक डिब्बे में शक्कर लेकर कैद खाने के सहन में चूंटियों की बिल तलाश कर रहे थे और उसमें शक्कर डालकर मेजबानी का हक अदा कर रहे थे। कैदियों के कमरे आए दिन गोरियों के शोरगुल से गूंज रहे थे। उस पर तुरफा तमाशा ये हुआ कि एक सुबह कैद खाने की फजा में एकाएक जंगली मैनाओं के 3 जोड़े देखने को मिले। महमूद साहब को मेजबानी का एक और मौका हाथ आ गया। उन्होंने अपने खाने की मेज से बची हुई रोटियां जमा कर ली और उनके टुकड़े हवा में उछाल कर मैनाओं को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करने लगे। मैनाओं ने तो कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन कैद खाने की मंढेरों पर
अहमदनगर के कौवे नजर आने लगे। मुफ्त की मेजबानी के नतीजे में चंद ही दिनों में अहमदनगर के तमाम कौवे खैरखाने की इमारत में जमा होने लगे। महमूद साहब उनकी मेजबानी में मसरूफ थे, उस खौफ से महमूद साहब की मेजबानी पर रोक लगानी पड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द ना सिर्फ अहमदनगर बल्कि सारे दखन के कौवे जेल के मंडेरों पर काबिज ना हो जाएं। मेजबानी के बंद हो जाने के बाद मुअय्यना वक्त पर कौवे कैदखाने पर हाजिरी देते और लौट जाते। उसी दौरान मौसम में तब्दीली हुई, बारिश शुरू हुई तो कैदखाने का खुला हुआ सहन हरा भरा नजर आने लगा तो ख्याल हुआ कि बागबानी का मशगला क्यों ना इख्तियार किया जाए। मशगले का मशगला होता है और असहाब सूरत व असहाब मानी दोनों के लिए सामान्य जौक बहम पहुंचाता है। बागबानी का इरादा हुआ और सहन की खुदाई शुरू हुई तो जमीन से सिर्फ पत्थर और गच नमूदार हुआ। मौलाना आजाद लिखते हैं कि नाचार तख्तों की दागबेल डालकर दो दो तीन तीन फुट जमीन खोदी गई और बाहर से मिट्टी और खाद मंगवा कर उन्हें भरा गया। कई हफ्ते इसमें निकल गए। जवाहरलाल सुबह व शाम फावड़ा और कुदाल हाथ में लिए कोह कुंदन और कह बरावर्दन में लगे रहते थे। फौजी कैंप के मुलाजिम चीता खान के जरिए पूना से फूलों के बेहतरीन बीज मंगवाए गए और बागवानी शुरू कर दी गई। इस मशगले में कई और कैदियों ने भी हिस्सा लिया। बहुत जल्द तमाम की मेहनत रंग लाई और कैद खाने का सहन फूलों की रंगारंगी और खुशबू से भर गया। बागवानी के सिलसिले में मौलाना आजाद ने फूलों के जिन अकसाम का जिक्र किया है और उन फूलों की जो खसूसियात बयान की है उससे मौसूफ की बागवानी से मुतालिक मालूमात का पता चलता है। बागवानी के नतीजे में एक वो वक्त भी आया जब इस फूलों के बाग में जंगली मैनाओं का शोर सुनाई देने लगा। इस सिलसिले में मौलाना के मिजाज का एक और पहलू नमूदार हुआ, वो ये कि मौलाना ने बुलबुल मैना जंगली मैना वगैरह पर सैर हासिल बहस कर दी है। मौलाना के मिजाज के तनवु को बेहतर तौर पर समझने के लिए गुबारे खातिर का मुताला लाजमी है। जेर बहस खतूत के अलावा गुबारे खातिर में जो खतूत शामिल हैं उनमें बयानिया और खतीबाना अंदाज बयान मिलता है जिसमें फलसफियाना मजामीन पर तफसीली बहस की गई है। गुबारे खातिर की तमाम तहरीरें फिलबदी लिखी गई हैं। उसकी तहरीर में किसी भी किताब से मदद नहीं ली गई है क्योंकि अहमदनगर के कैदखाने में मुताले के लिए कोई किताब मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद गुबारे खातिर में 570 अशार का इस्तेमाल हुआ है जो बेशक मौलाना की याददाश्त का नतीजा है। शुक्रिया। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अभी आपने मुजराम से एक तफसील सुनी। सज्जाद साहब अपनी मुख्तसर की नज़्म। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए बोलिए। वाकई ये हमारा आज का वेबिनार जिस ढंग और नहज से शुरू हुआ है ये बहुत ही मालूमात अफजा, और फिर डॉक्टर रिजवान कैसर साहब की इंतहाई गोया के पुरफिक्र और बसीरत अफरोज तकरीर से इसका आगाज हुआ कि जिसके दौरान उन्होंने मौलाना आज़ाद की हयात व फिक्र और उनकी खिदमात पर मुख्तलिफ जावियों से उन्होंने रोशनी डाली। ना सिर्फ ये बल्कि हालात हाजिरा में जो हम जो मिल्लत इस्लामिया हिंद जिन मसाइल में घिरी हुई है उस पर जो है उन्होंने जोर देकर मौलाना आज़ाद की हयात व फिक्र और उनकी आइडियोलॉजी से किस तरह हम पैदान हासिल कर सकते हैं, इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं और अपने मकाम को यहाँ हिंदुस्तान में कायम और साबित रखने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, इसका लाइए अमल उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। वाकई ये हम सब के लिए एक काबिल गौर गोया के उनकी तरफ से खतूत हमें जो है खतूत कार हमें मुहैया किए गए हैं। और दूसरे जो हमारी मुकर्रर
डॉक्टर शबीना कलत साहबा ने मौलाना आज़ाद की शोहरा आफाक उनकी तसनीफ गुबार खातिर खुद के मखसूस अनावीन को जिस शरह व बसत के साथ और जिस तनाजुर में पेश किया, वाकई उसे मौलाना आज़ाद की अबकरी शख्सियत का हमें बखूबी अंदाज़ा होता है। इसके लिए मैं उनका बहुत हरदो डॉक्टर रिजवान खैसर साहब और डॉक्टर शबीना अल्लाह साहबा का बहुत मैं हम्बल इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वाकई। और ये बात जैसा कि हसरत ने कहा है, हसरत मोहानी ने मौलाना आज़ाद के तर्ज तहरीर को, मुनफरिद तर्ज तहरीर को जिसकी आज तक कोई तकलीद नहीं कर सका, खराज अकीदत पेश करते हुए हसरत मोहानी मरहूम ने फरमाया है, जब से देखी अबुल कलाम की नसर, जब से देखी अबुल कलाम की नसर, नज़्म हसरत में भी मज़ा ना रहा। वाकई उन्होंने अहमद नगर के असीरी के दौरान जो गुबार खातिर की शक्ल में जो इंशा परदाजी का जो आलमी नमूना पेश किया है, उसकी तख्लीक शाज़ व नादिर ही आलमी अदब ने हमें उसकी नज़ीर मुश्किल से मिल सकेगी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन यूनिवर्सल लिटरेचर, लिटरेरी शाहकार कहने में जो है गुबार खातिर को जो है हमें जो है ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं आपकी नज़्म, हाँ ये नज़्म मेरी नहीं है, मैंने बहुत से जो है शोरा के हमारे खुसूसन हमारी रियासत के बहुत से शोरा के कलाम की तलाश की तो किसी के पास भी जो है मौलाना आज़ाद पर कोई तहनियती नज़्म मुझे नहीं मिल सकी। सिर्फ ले दे के एक शायर उनके कलाम में जो है मुझे मौलाना आज़ाद से जो है एक नज़्म, एक तहनियती नज़्म मुझे मिली। हो सकता है मेरी इल्मी कम मायली का इसमें दखल हो, लेकिन जितने भी हमारे इस वक्त जो यानी 20वीं सदी और 21वीं सदी के गोया के अवाइल में जितने भी हमारे मशहूर शायर शोरा हजरात गुजरे हैं, उनके यहाँ मैंने बतरे इस सिलसिले में मैंने उनके दवावीन में तलाश किया, लेकिन एक भी तकलीफ जो है उनकी नहीं मिल सकी। सिर्फ एक शायर मरहूम सैयद महमूद परवाज तरीके रवि, उनकी मजमे कलाम बांगे रहील में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन्वान से एक तहनीती नज़्म है, इसे मैं पेश करने की जो है मैं इजाज़त चाह रहा हूँ। तो शुरू है, दाना राज दीन सलामत इमाम हिंद, दाना राज दीन सलामत इमाम हिंद, नूर हुदाए शम रिसालत इमाम हिंद, नूरे हुदाए शम रिसालत इमाम हिंद, लाए कहाँ से अब वो इमामत इमाम हिंद, पाए कहाँ से अब वो हिदायत इमाम हिंद, ऐ मरहबा वो फहम व फरासत इमाम हिंद, ऐ मरहबा वो फहम व फरासत इमाम हिंद, हाय वो बे नज़ीर क़ियादत इमाम हिंद, आए वो बे नज़ीर क़ियामत इमाम हिंद, इल्म व फ़ज़ल में आपका सानी न था कोई, इल्म व फ़ज़ल में आपका सानी न था कोई, दुनियाए जानती है सदाकत इमाम हिंद, दुनियाए जानती है सदाकत इमाम हिंद, मुल्क अरब में पाई विलादत है आपने, आए मरहबा ए शान सआदत इमाम हिंद, फिक्रो नज़र की आपके मिलती नहीं मिसाल, फिक्रो नज़र की आपके मिलती नहीं मिसाल, किसमें है आज ऐसी लियाकत इमाम हिंद, तफसीर लाजवाब है कुरान पाक की, बेशक है एक कशफ करामत इमाम हिंद, तफसीर लाजवाब है कुरान पाक की, बेशक है एक कशफ करामत इमाम हिंद, मकसद था एक आपका आज़ादी वतन, मकसद था एक आपका आज़ादी वतन, कि आपने न जिस बगावत इमाम हिंद, हुब्बे वतन तो गोया इबादत थी आपकी,
हुब्बे वतन तो गोया इबादत थी आपकी, खाके वतन से थी ये इरादत इमाम हिंद, खाके वतन से थी ये इरादत इमाम हिंद, कौमा वतन को आपने क्या क्या नहीं दिया, वो बेनजीर ऐसी सखावत इमाम हिंद, छाए हैं अब वतन की सियासत पे तंग नजर। देखिए कि आज के हालात पर भी जो है ना, जहाँ मौलाना आजाद की गोया कि उनकी लेगेसी को सारे मुल्क ने फरामोश कर दिया है, हमारी मिल्लत ने भी जो है उनके लेगेसी को जो है फरामोश कर दिया है, तो इस जीवन में ये है, छाए हैं अब वतन की सियासत है बेनजीर ऐसी सकावत इमाम हिंद, छाए हैं अब वतन की सियासत पे तंग नजर, खतरे में हमने की है जमानत इमाम हिंद, खतरे में हमने की है जमानत इमाम हिंद, आती है हर सुबह लिए ताजा मुसीबतें, आती है हर सुबह लिए ताजा मुसीबतें, खतरे में है वतन की हिफाजत इमाम हिंद, आता नहीं नजर कोई अब ऐसा रहनुमा, आता नहीं नजर कोई अब ऐसा रहनुमा, जो दे सके वतन को रिफाकत इमाम हिंद, बेशक जहां है आमद मेहदी का मुंतजर, बेशक जहां है आमद मेहदी का मुंतजर, ऐ काश के हो हक की इनायत इमाम हिंद, परवास के ख्याल में अल-किस्सा मुख्तसर, हालात मांगते हैं शहादत इमाम हिंद। शुक्रिया सज्जाद साहब। Question to Dr. Asadi Sahab and Rizwan Khaisar Sahab. Sir, that the NEP has recommended for closure of MPhil course. What will be its repercussions in the higher education? Well, I don't think there will be any much. Khaisar, you want to answer to this question? No. I feel that there will not be much effect because MPhil is always treated as an added qualification rather than a separate qualification. See, when me and Kaiser joined JNU, we also did the MPhil. But we could have skipped that degree since we all got better marks, better credits. But we did not leave that course because you would get the degree within 6 months to 1 year. So we thought that we let us add this one degree into this MPhil course. But the MPhil course is not treated as a basic course, basic or the substantive degree for any appointment. Basic or the substantive degree is your MA or MSc. MPhil is not considered for your job market. It is treated as an additional one. And UGC has recommended only PhD as well as the your post-graduation degree. MPhil is not necessary actually. One can get away with that when I can negotiate with the state, we negotiate with the academic institutions. Sir, another question. Has any group from Mysore submitted its recommendations? To the comments about the draft NEP, sir? Yeah. There are a couple of groups. We had a seminar a couple of months back. There is a Kannada Kriya Samiti led by Pamalle, old socialist, and we recommended many things with regard to that, and particularly the language issue. I raised certain issues, like I said that why Urdu is completely absent in the new educational policy, particularly the second report which the cabinet has approved. Actually, if you look at the first report, draft report, and the other report, there are substantial changes. It's not an abridged form, but they are trying to introduce that one, the second part. Again, they have changed it. Now it has increased to 66 pages, I think. We made attempts to write to the government, but in fact, the government will not listen to that one. I remember somebody telling me that before the draft was formulated, the matter was discussed in the NGO in Mysore, which literally was part of the this particular regime, which was supporting the regime, and that's the reason why some of the things were brought into the new education policy as such. But one haunting thing for this particular policy is the presence of Nehruan idea
Nehru an idea is deep rooted in the education policy, and particularly, you know, look at is the diversity, look at the critical thinking, look at the secularism and other things. You know, there was a time when there was a certain amount of conflict in the educational field, particularly the text became, you know, contesting terrain. For example, in 1970s, 72 or 77, 75 itself, when some of the history texts are written by the NCRT, because the NCRT texts were the, you know, circulated among all the people, all the CBSC students, etc., throughout the India. You know, I was involved in the one of the texts later on, formulating the text, NCRT text also, but what it may be. You know, 1975, I think, 1977, after the Janata Dal Party came to power, there was an attempt to remove the text written by Romila Thapar, Panikkar, you know, and others, a couple of historians, because history is the, you know, domain of contestation. Arya Sharma in particular, Arya Sharma. Arya Sharma and others, Sharma, yeah. Ancient history and other texts became the contesting terrain. I mean, they were contested. Again, there was an attempt in 2005 also to remove, you know, they would like to have the uniform, what's called curriculum and other things. Now look at the same thing happened in the case of recent years, or look at in Rajasthan, there was an attempt to change the history text, or even the case of the Maharashtra, or even in Karnataka. In Karnataka, Tipu is no more the, you know, ideal king. He's been projected as the person who is very oppressive and other things. In the Rajasthan, Akbar is no more the great, rather than he's a simple Raja. And he was defeated by the, you know, Rajput king, rather than Akbar defeated him. So history is rewritten. History text becomes the, you know, main issue in the whole debate. Probably in the subsequent days also, history might play a dominant role. Where, you know, there are attempts right now. There are attempts to introduce yoga. There is attempt to rewrite the history text, history issues, and other things, or to remove some of the parts of the history. For example, now in Rajasthan, Urdu, I think the Urdu words have been removed. Urdu text, I think the Urdu shairis have been removed from the text. So which obviously means that there's a systematic attempt to either to marginalize or to rewrite the history according to the political ideology, the regimes or the state. So we are in this particular situation. That's the reason why, whether we need to reclaim Maulana Azad along with Nehru, or we need to have a larger coalition of Nehru, Ambedkar, and Maulana Azad in this particular context. We need to debate about that particular issue. So, any questions, sir? Mr. Tansin, would you like to ask? Yeah, one question to Dr. Rizwan Khaisar. One of the biggest contribution of Maulana Abul Kalam Azad was the enactment of Waqf Act for the entire country. It was different bits of legislations in different states. Apart from that, there are many facets of Maulana Abul Kalam's personality. He was an ideologist, a religious person, a social reformer, an educationist, an author, a poet, and a politician. Which among these will you rate as the most dominant, or I should say, most beneficial facet of his personality? There are, if one wants to divide his contributions, pre-independence and post-independence, and then if we were to take into account which would have contributed maximum to the collective life of the community, then I for one would say that the ideological legacy that he was in a way leaving behind for the community to identify with, you know, ideologically determined nationalism
Islam and nationalism being compatible, Islam and science being compatible, Islam and modern outlook being compatible. So these are, you know, like far too important things. As regards the waqf ka thing, etc., to be honest with you, I have not paid closer attention to this dimension of the contribution of Maulana Abul Kalam Azad. But in one area where he made, he attempted to make that kind of contribution, that was to, you know, like work out mechanism where madrasa education could be modernized, upgraded, etc., etc. Syllabus could be revised, curriculum could be reworked out, etc. He did make that kind of an attempt. He held many conferences in Lucknow, Delhi, elsewhere. Idea was that if community could take to this modern education, and if community could still take to the traditional education in madrasa education, then we know such a committee report one could refer to, that the school going children, even in madrasa, they did not constitute more than 4 or 5% of people in the same 4% But within that, whoever goes there, at least these madrasas play that very role of providing basic literacy. That should remodel itself on the kind of thing that Maulana had worked out in 1970. So somebody from, and I like Professor Muzaffar Asadi's expression, critical insider. That the fact remains that Maulana, and I think it was rightly pointed out in the beginning, Maulana was subjected to terrible humiliation in pre-independence time. He was looked at with suspicion. You know, he was publicly humiliated on several occasions. And I think right in the beginning, Sayyid Shafi Sahib, when he was reading out that speech, in a way, those were the statements of autobiography. Zuban kholi to zuban kalam kar diya. Kalam uthaya to apne haath kalam kar diya. Aage badhna chahe to apne taange tod di. He was making a reference to the kind of series of sustained humiliation he suffered. So, you know, like, therefore, you know, as it happens in your life and my life, everybody's life, there are phases. Pre-independence phase of Maulana Abul Kalam Azad is seen with a lot of suspicion. Not that he didn't have following, there were many. But there came a time, you know, like Muslim League press, Urdu press, they use harsh expression about Maulana Azad. Traitor to the community, cause of the community. Whereas Maulana, when he was working out, you know, the political mechanism of negotiations with the larger society within the nationalist political processes, he was looked at with suspicions even by congressmen. I have used such evidence in my book. He was looked at suspicion by Purushottam Das Tandon. Questions were raised on the floor of the Parliament of India when he was the minister. He had granted some money to Darul Musannifin in Azamgarh, and he was said that he was practicing communalism. So there are issues that we need to discuss, which larger contribution and a smaller contribution, yes, in a way, they all will have their significance. But this particular question, honestly speaking, I have not paid any attention to that, Tasin Saab. I will definitely look into it. But then let us not, I mean, the manner in which we own up Maulana Azad is a post-independence phenomenon. A towering figure of the kind that he was. And here we thought that not only we could latch on to that, but also there is a lot of wisdom in whatever that he wrote. Full of scholarship, insight, wisdom, history, and a way to look forward to.
And that is where in that same speech, Shafi Sahib that read out, Aaj bhi tarikh ke kuch abraak khali hain. What he said in 47 is relevant for us in 2020. Aaj bhi tarikh ke abraak khali hain. Which we can fill with our contributions that we are making. The only thing is that we are not putting them down in a manner to say that please record our contributions to the making of. Maybe you all are sitting in Karnataka. Somebody else sitting somewhere else. Please record the contributions made by us in the realm of knowledge, in the realm of art, in the realm of science, in the realm of institutions of governance, etc., etc. But for that to know, we got to be fully aware of our own legacy, the heritage, including intellectual heritage. And then we say that, okay, this is fine, and here we march. Only with the strength that you and I can walk into the future. I have repeatedly been using this expression, while walking into the future, vitally important to draw on the searchlight from history. There is plenty of it. All that we need to do is like solar energy. Sun is spreading energy, but we have to have solar panels to catch that energy. We need to have that in our intellectual endeavors in order to catch something which is carry forward from the past. Because past is not dead and gone. Past is very much alive with us. How do we make use of it depends what is our vantage point and what do we wish to make use of it while we carry our journey to the future. Thank you so much, Dr. Rizwan Khaisar Sahab. Very enlightening. So any more questions, sir? I would like to, can you hear me? Yes. Request Dr. Rizwan Faisal. I mean, this question I would like to put him because as he has emphasized very emphatically that being a Muslim, we cannot surrender to slavish institutions against our faith. But what about the present scenario in our own country when through mob lynchings and such fascist methods, our very identity and existence is being put to challenge. Can anyway this theory of Maulana Azad, which would be described as liberation theology, I would like to emphasize. What is its relevance in today's India, and how Muslims have to adopt as with regard to OSU, and inclusive nationalist approach as advocated by Maulana Azad? Liberation theology, has this any relevance? Yeah, in a way, liberation theology had a role at certain point of time in history. But if you think that the same liberation theology we are going to apply in the current context, then I would say times have changed and therefore the context. As regards Maulana Azad, there was a time when he was using this platform. He was using this method, he was using this ideology to tell Muslims that being Muslim was important.
But while being Muslim was important, it was equally important that you become, you know, independent. And don't remain slave of the British. So that liberation theology had its relevance at another point. But what is its relevance today? One can all say that faith in religion that you and I believe in, that's there. But I think it's time that we look beyond faith and then see what are the options available with us. Circumstances are very, very challenging. I don't deny that. But go back in history. Similar things were being talked about 100 years back. You get to hear the story about love jihad. Similar things were being talked about in 1920s, 30s, Muslim men abducting Hindu women, you know, getting into forcible marriages. Man must resist. You realize that similar, there is a historian called Charu Gupta in Delhi University. She has been working on these aspects of social development. Look at the arguments made by congressmen pre-independence and post-independence as regards cow slaughter. You will find it very hard to make a distinction between what is being said today and what was being said in 1950s and 60s. There is an interesting work that you might have come across, but I'm sure my friend Professor Muzaffar Azadi must have paid closer attention to Donald Eugene Smith's book, India as a Secular State, replete with such examples. So what you get to hear about your identity is nothing new. It's been there. All that we need to do is to develop the art of dealing with them and also negotiate. Identity is not something which can be eliminated and erased like a pencil mark on a piece of paper. Identity formation is a long drawn out phenomena, straight over decades, centuries, perhaps even millennia. The concern is that how do we negotiate with all this? Don't we have elements within who would like to feed into the kind of ideological attack that is taking place on Muslims? There are elements within who will like to become the mirror image of your attackers. Use similar kind of an aggressive, narrow-minded language. We need to develop a critical thinking within. How many of us have the capacity to become critical insider, as Muzaffar Azadi was mentioning, talking about Maulana Azad? How many of us have that kind of courage? We fear. There are endless things which need to be addressed about the Muslim society. So nothing much there, nothing to fear. Remain steadfast to your heritage, built upon it, and walk forward. But we got to be alert. We got to organize such kind of sessions more often, so that at least there is brainstorming, there is information sharing, there is perspective sharing. So that is what my answer is to you, Tahseen Ahmad sir. Sajjad Ahmad sir. Sajjad sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. And a question to Professor Asadi. Hey, usually question. Okay. Yeah. The person is not supposed to answer the questions. Okay. Okay. Oh. Since when you have become unquestionable? In almost every, you know,
And we have to, search for answers. They come out very clean from your side only. Okay. So one question, the theory that, rather it looks a very fresh breeze of air in the present scenario, that when you are propounding a sort of alliance, if not practical one, perhaps ideological one between the followers of Dr. Ambedkar, Maulana Azad, and of course it has become take the name of dog and kill him, Nehruvian principles. These three, and of course Lohia also comes in between. We cannot, Sajjad sir, my hunch is that both are, quite opposite to each other. There is absolutely no what's called negotiating point in terms of the politics, because one was a bitter critic of the nationalist movement, bitter critic of Gandhi, and the bitter critic of the Hindu society and other things. The other side, you had a Muslim who is known as the what's called the Congress wise or something they called him, or he was a Muslim scholar, he is a religious man, but both are liberal, remember that one. Both are liberal, both despite the contradictions, they joined the Nehruvian government for the purpose of establishing a new India. See, why I'm trying to bring these two people is the fact that we have not been able to respond to the current needs, because that wherever there is a kind of communal riots or whenever there is a caste riots, we don't respond to that one. Particularly when the riots are taking place against the Dalits, and neither the Dalits are responding to us. I mean, both are completely divergent, because both are belong to the two different realms. Dalits are largely found in the rural areas, and their oppression is largely derived from the land. Unlike the Muslims, Muslims are largely found in the urban pockets as poor people, and as Sajjad committee report says, that the banks, they don't enter into this Muslim area because they are called as the dangerous zones. You've read that Sajjad committee clearly. And at the same time, Muslims are not only poor, they live in what is called the slum areas. That's the reason why you got this huge crisis, identity crisis. They face the developmental deficit, as well as the security issues. And also most important thing is that they have been living in the ghettos where they feel that they're all secure. So despite these two things, probably we need to bring back these two icons, because we are living in a situation wherein we don't have a icon to fall back upon for our not only sustenance, but also for a dialogue. Look at, for example, we fall back on Tipu Sultan. I would not say that Tipu Sultan is not an icon, but the thing is that let us reduce Tipu Sultan as an anti-colonialist. The moment you reduce him as an anti-colonialist, you can you can bring many, many categories into the fold of discourses. But what we have done is that we have tried to, and the state also did the thing, it has reduced to the Muslim categories, it has reduced to the one community, and the whole process, Muslims have become the victims. And that has become an easy project to castigate the Muslims as communal. What I'm trying to say that we need to get away from this thing, communal, tinkering and the communal framework. And we need to have a secular framework. We need to have a secular icons to put our arguments. In that context, we need to bring, what's called Maulana Azad. At the same time, we need to negotiate with Ambedkar for the simple reason that both are in a way are oppressed categories within the larger framework. In fact, the Muslims have become the subaltern category. Dalits are also the subaltern category. But the thing is that Muslims
became subaltern after 1857, after the First World, what's called the Sipahi Mutiny. They became the subalterns. But earlier we had the whole argument about the hegemony, whole argument of the domination, whole argument of the military power and other things. But we have become the subalterns, suppressed classes. So both suppressed classes can come together along with the two icons. That's the reason I'm saying that Ambedkar and Maulana, despite the fact that they had, you know, differences, they belong to two realms, but exactly at the same time, they also belong to the single ideological framework of nation building. They also belong to the neoliberal framework as such. That's the reason why we need to negotiate, bring together, and to have a larger coalition to debate and to create what's called social coalition of the categories for the contemporary period. Thank you. Thank you very much, sir. So thank you. Thank you, Asad Sahab. And I think this evening we had a wonderful time spending with our honorable guests who enlightened with their talks, beautiful talks. And also Professor Asadi Saab also has given a good account of the presidential remarks he has given. I must conclude this, and I am indebted to Dr. Rizwan Khaisa Saab, Dr. Shabina Talat, Muzaffar Asadi Saab for their beautiful talks and interaction. And also I thank all the participants for cooperating and be with us. So thank you once again. So I conclude. Maulana Azad ke taluq se ye hai ke zamana bade shauk se sun raha tha, zamana bade shauk se sun raha tha, hame so gaye dastan kehte kehte. And ab aakhir mein yehi baaton ko ke baad se main khatam karna hu ke aise azad ko jisne azadi jang mein qaidana kirdar ada kiya aur azadi ke baad baja taur par apni azim shakhsiyat ke pas manzar mein pehle wazir taalim banaye gaye, unki tamam tar salahiyaton, qabiliyaton, karnamon aur urdu ke mohsin azim balki shaheed e justajoo hone ki haisiyat ko pesh nazar rakhkar is sher ke zariye siraj jaise pesh karenge ke bhula sakenge na ahle zamana sadiyon tak, bhula sakenge na ahle zamana sadiyon tak teri wafa ke tere fikr fan ke afsane. So shukriya tamam nazireen aur jo hamare hazirin hain aur khawatin hazrat, aapne hamara saath diya. Main tamam ka khususan professor Rizwan Faisal saab ka, Dr. Shabina Talat sahiba ka, professor Muzaffar Asadi saab ka main dil ki ameek tareen gehraiyon se shukriya ada karta hoon. Aur iske saath isi webinar